अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वीडियो एडिटिंग के एक्सरसाइज वन की। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, मैंने अपने चैनल पे जो है वीडियो एडिटिंग की शॉर्ट लेक्चर स्टार्ट कर दिया है। अगर आप लोगों ने मेरा 1 to 10 वीक वन की शॉर्ट वीडियोज़ नहीं देखे तो मेरे चैनल पर जाके आप जाके वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा डीजे स्किल्स की जितनी भी एक्सरसाइज असाइनमेंट है वो मैं अपने चैनल पे अपलोड करता हूँ। तो आप लोग से गुजारिश है, आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आने वाले जितनी भी नई वीडियो हैं वो आप लोगों को आसानी से मिल सके। चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरह। सबसे पहले आप देख लें इसके मार्क्स जो है वो 10 मार्क्स का आपका असाइनमेंट है। आखिरी डेट जो है वो 8 अगस्त है और आपने असाइनमेंट जो है MS Word की फॉर्मेट में सबमिट करवाना है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में इसको मैं थोड़ा जूम कर दूँ। सबसे पहले कह रहे हैं मेक ए न्यू फोल्डर टू स्टार्ट ए न्यू प्रोजेक्ट। सही है, सबसे पहले आपने एक नया फोल्डर बना लेना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम कोई भी अपने ड्राइव में जाएंगे, CDE जो भी आपको अच्छे लगे चले जाएँ, उसमें आप राइट क्लिक करें, न्यू में जाएँ, फोल्डर का नाम लिखते हैं, फोल्डर का नाम लिखते हैं वीडियो। लेट सपोज हम फोल्डर का नाम रख देते हैं वीडियो एडिटिंग। ठीक है, वीडियो एडिटिंग के साथ रख देते हैं PRE ML Premiere 2। ठीक है, मैंने एंटर कर दिया। मेक ए न्यू फोल्डर टू स्टार्ट ए न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, इसका कह रहा है टेक ए स्क्रीन शॉट ऑफ मेंशन टास्क सबमिट। आपने हर टास्क का एक स्क्रीन शॉट लेना है। ठीक है, उसके लिए आप क्या करेंगे, आपने एक फोल्डर बना दिया, आप स्टेपिंग टूल यहाँ पर टाइप करेंगे S Stepping Tools पर एंटर कर देंगे। ठीक है, ये फोल्डर खोलेंगे आप और स्क्रीन शॉट जो है सिर्फ इसका अटैच कर दें। ठीक है, यहाँ पर इसको हाईलाइट कर दें कि ये फोल्डर हमने बनाया है ताकि उन्हें याद रहे। ठीक है, अब वर्ड में आएंगे, यहाँ पे आके कंट्रोल डी कर देंगे, ये आपको हो गया पहला टास्क। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड टास्क पे, मेक सब फोल्डर फॉर एसेट मैनेजमेंट इन द न्यूली क्रिएटेड फोल्डर। ठीक है, अब आप क्या करें, जो आपने नया फोल्डर बनाया उसके अंदर एक सब फोल्डर बना दें फॉर एसेट्स मैनेजमेंट। यानी कि सर ने आप लोगों को वीडियो में गाइड किया था कि आपका जो प्रॉपर आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपको प्रॉपर एक एसेट्स के फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि सीक्वेंस में होना चाहिए, ऑडियो की फाइल ऑडियो में हो, वीडियो की फाइल वीडियो में हो। ठीक है, तो इन द न्यूली क्रिएटेड फोल्डर, तो हम चलते हैं सबसे पहले यहाँ पर। अब हमने वीडियो एडिटिंग प्रीमियर प्रो बना लिया, अब इसका नाम जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और फोल्डर बना लेंगे, इसका नाम लेंगे DG Skills Exercise 1। यहाँ हम एंटर कर देंगे। ठीक है, यहाँ हमने एंटर कर दिया, क्या करेंगे हम यहाँ पे एंटर करते हैं, काम करते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्क्स लेने के लिए हम काम करते हैं, एक ऑडियो गेंट AUDR ऑडियो गेंट बना लेते हैं हम लोग, जैसे कि सर ने कहा था। ठीक है, अगर आपकी वीडियो एक वीडियो बना लेते हैं और यहाँ पर हम लोग एक PRO प्रोजेक्ट की फाइल बना लेते हैं। ठीक है, अब इसका स्क्रीन शॉट ले लेंगे, यहाँ पर ढेर सारे फोल्डर बना दिए हमने ताकि। ठीक है, अब यहाँ पे आएंगे वर्ड में और 2 में पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा सेकंड टास्क हो गया। ठीक है, अब चलते अपने फाइल में, क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट इन एडोब प्रीमियर प्रो। अब आपने क्या करना है, अपना सॉफ्टवेयर खोलना है एडोब प्रीमियर प्रो। ठीक है, वहाँ पर फाइल में जाना है, यहाँ पे देखिए न्यू लिखा हुआ है, न्यू पे क्लिक कर दें, प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दें। आप चाहे तो इसकी शॉर्टकट की भी कर सकते हैं, Ctrl Alt N प्रेस कर दें। जैसे आप प्रेस करेंगे आप देखें ऊपर नाम आ गया। अब नाम रख दें इसका DG Skills Video Editing Exercise 1। ठीक है, यहाँ पर ब्राउज़र लिखा हुआ आ रहा है, ब्राउज़र पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जहाँ आपने डी में जाके आपने जो फोल्डर बनाया था वीडियो एडिटिंग प्रीमियर प्रो से खोलेंगे। ठीक है, अब देखें ऑडियो, ये हमने फोल्डर बनाया था प्रोजेक्ट वीडियो, अभी प्रोजेक्ट पे क्लिक करें और सेलेक्ट फोल्डर कर दें और ओके कर दें। ठीक है, क्रिएट एंड न्यू प्रोजेक्ट एडोब प्रीमियर प्रो। अब आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। हम जाएंगे अपने प्रोजेक्ट्स में, देखें यहाँ पे एक फाइल आ गई, अब आपने इसका स्क्रीनशॉट जाके लेना है। यहाँ आपने जरूर सीक्वेंस फॉलो करनी है। देखें ऊपर यहाँ लिंक बना हुआ आ रहा है, तो इस तरीके से यहाँ दर्ज करेंगे आप इस PC में, यहाँ यहाँ गए इस पे जाके इस पर चलेंगे। ठीक है, वो जाए इस चीज़ को जरूर चेक करेंगे वो। अब आपने बैठ के फाइल में जाना है, यहाँ पर स्क्रीन में आना है और आपने पेस्ट कर देना है, Ctrl C Ctrl V। अब चलते हैं फोर्थ टास्क की तरफ। ठीक है, इम्पोर्ट वीडियो टू एडोब प्रीमियर प्रो फ्रॉम स्टॉक इमेज वेबसाइट और एनी अदर वीडियो फाइल यू ऑलरेडी हैव। ठीक है, अब कर रहे हैं आपने प्रीमियर प्रो में वीडियो इंपोर्ट करनी है, अब चाहे स्टॉक इमेज से लें, आप कोई भी स्टॉक वेबसाइट यानी कि ऑनलाइन वेबसाइट है वहाँ से ले लें, जो आपके पास कंप्यूटर में जो भी आपके पास वीडियो पड़ेगी आप उसमें आप डाल लें। ठीक है, अगर आप लोग के पास वीडियो है तो ठीक है, अगर आपके पास वीडियो नहीं है तो मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ, Pixel। ठीक है, PEXELS, इस पर आप जाएँ, सर्च पर टाइप करें नीचे, इसके अंदर ढेर सारी वीडियो आएंगी, इस पर आप किसी भी क्लिक करें, क्लिक करने के बाद डाउनलोड का ऑप्शन होगा, फिर डाउनलोड पर क्लिक कर दें और आपकी वीडियो जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, अच्छे तरीके से कर लेंगे, मेरे पास वीडियो ऑलरेडी है तो मैं आप लोगों के सिस्टम में जो है वो वीडियो आपको जाकर दिखा देता हूँ। तो आपने करना क्या, सबसे पहले मैं प्रोजेक्ट में जाता हूँ अपने, मेरे पास वीडियो पड़ी हुई है, मैंने आप वीडियो उठाई यहाँ से, ऐसे कट की मैंने और अपने फोल्डर में गया। अब देखें वीडियोज़ की फाइल है तो वीडियोज़ में डालें आप। ठीक है, वीडियोज़ में गया, वीडियो फोल्डर में मैंने पेस्ट कर दी, वीडियो मेरे यहाँ आ गई। अब चलते हैं यहाँ पे,
इंपोर्ट और वीडियो टू अडॉप्ट प्रीमियर प्रो फ्रॉम स्टॉक एबल टू एनी अदर फाइल यू हैव ऑलरेडी, ठीक है। आप इंपोर्ट करनी है प्रीमियर प्रो में, आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे आएंगे, आप अब मैं यहाँ आ गया, तरीके बहुत से मैंने आपको गाइड किया, यहाँ से यहाँ ड्रैग करें, यहाँ पे वीडियो इंपोर्ट कर दें, ये हो गया। अब आपने क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और एक्स्ट्रा काम क्या करें, आप लोग एक्स्ट्रा मार्क्स देने के लिए आप इनको इस चीज़ का स्क्रीनशॉट सेट कर दें कि जो, ताकि इनको लगे आप सीक्वेंस में काम करें जो आप लोगों को सर ने गाइड किया था। इससे क्या होगा कि आप इंस्ट्रक्टर को बता रहे हैं कि इस फोल्डर में जाके मैंने वीडियो एडिटिंग फोल्डर में जाके वीडियो की फाइल थी तो मैंने वीडियो के फोल्डर में डाल दी, तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं इसके, ठीक है। काम करें, प्रॉपर करें, अच्छे से करें, इसी के आगे कॉपीज कर दूंगा, ठीक है। अब चलते हैं हमारे पास टास्क नंबर 5। हमने क्या करना है, मार्क इन एंड आउट पॉइंट ऑफ द वीडियो बाय यूजिंग सोर्स विंडो, ठीक है। अब हमने मार्क इन मार्क आउट करना है, अब क्या करेंगे, उस पर डबल क्लिक करेंगे, अब वीडियो हमारी पास सोर्स पैनल में आ गई। अब हमने क्या करना है, मार्क इन मार्क आउट, वीडियो प्ले कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए वीडियो प्ले हो रही है, यहाँ से प्ले हुई, अब मैंने इसको मार्क इन करना है, मैं करूँगा यहाँ पे, देखिए यहाँ मार्क इन लिखा हुआ है, मार्क इन आई और मार्क आउट ओ, यही कहा था उन्होंने करने के लिए, देखें मार्क इन मार्क आउट करना है, ठीक है। यहाँ पे आया, मुझे ये यहाँ से अच्छा लगा, मैंने कर दिया मार्क इन, मैंने वीडियो प्ले की, यहाँ खत्म। अब मैंने कर दिया यहाँ पे मार्क आउट, ठीक है, ये मैंने इतना काम कर लिया, अब देख लें क्या बोलते हैं, ठीक है। आपने मार्क इन मार्क आउट कर लिया, अब आपने इसके स्क्रीन शॉट ले लेना है, पेस्ट कर देना, ठीक है। अब क्या करना है, आपने मेक अ न्यू सीक्वेंस टाइमलाइन, अब आपने सिंपल क्या करना है, इस वीडियो को डाल के यहाँ पे टाइमलाइन में पोस्ट कर देना है, यह है आपका टाइमलाइन, देखिए यहाँ लिखा हुआ है टाइमलाइन, आपने क्या करना है, इस पर पकड़ के यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, जैसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे आपको टाइमलाइन पे आपकी फाइल आ जाएगी और ऊपर सोर्स विंडो में आपकी फाइल आ जाएगी, ठीक है। अब मैं क्लिक करूँगा, जो क्लिप मैंने सेलेक्ट किया था वो यहीं पर आ जाएगा मेरा, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं, कि मैंने काम किया, इसका स्क्रीनशॉट ले लूँगा मैं, यहाँ जाऊँगा मैं, इस पूरे का स्क्रीनशॉट लूँगा मैं और यहाँ पे आके ये मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। इसकी आप सेटिंग कर लेनी है, सेटिंग करने के बाद आपके आपका असाइनमेंट कम्प्लीट हो गया, बेस्ट ऑफ लक। आप क्या करेंगे, आप इसको हम अपलोड कर देंगे, सबसे जाके आप अपनी सेट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। वीडियो एडिटिंग के आप जाएंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे, चूज़ फाइल क्लिक करेंगे और जहाँ मैंने फाइल सेव की होगी वो कर देंगे सबमिट आप, ठीक है। ये रही फाइल, मैंने इसको ओपन किया, यहाँ आ गई सबमिट। तो भाई इस तरीके से आप अपना वीडियो एडिटिंग का कोई सबमिट करवा सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है कहीं लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।